नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बैंजो का पहला लेसन देने जा रहा हूँ और ये लेसन कुछ इस प्रकार होगा कि जिस इंसान को बैंजो का कुछ भी नहीं पता, भले ही ABCD कुछ भी नहीं आता और वो भी मेरे इस वीडियो को देखने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए बैंजो बजाना बहुत आसान हो जाएगा। गारंटेड मेरा चैलेंज आप सबसे। सो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आपको बैंजो सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ बैंजो के बारे में। बैंजो टोटल तीन प्रकार के आते हैं, ठीक है जी। एक आता है 27 बटन वाला, एक आता है 29 बटन वाला, एक आता है 31 बटन वाला, ठीक है जी। बटन कम ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आपकी इच्छा, आप 27 वाला ले रहे हैं, 29 बटन वाला ले रहे हैं और 31 बटन वाला ले। और ये जो बैंजो पड़ा है आपके सामने, ये है 29 बटन वाला। इसमें टोटल 29 बटन है, अगर आप गिन के देखोगे ना वन बाई वन, तो टोटल 29 बटन आएंगे। अभी बात आती है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है जी। बैंजो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 27, 29, 31, कितने बटन वाला मर्जी ले लीजिए। मेरे पास अभी 29 बटन वाला बैंजो है। अभी इसी के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपको 27 बटन वाला का भी फंक्शन बताऊँगा, 29 बटन वाले का भी फंक्शन बताऊँगा और 31 बटन वाले का भी फंक्शन बताऊँगा, क्या क्या अंतर है इनमें, ठीक है जी। ओके, अभी चलते हैं दूसरी बात। दूसरी बात है कि अगर आप बैंजो सीख रहे हैं, चाहे गिटार सीख रहे हैं, चाहे पियानो सीख रहे हैं, संगीत की जो थ्योरी है वो सेम ही है। फ़र्क कहाँ पे आता है कि इंस्ट्रूमेंट में आप हारमोनियम देखते हो, उसमें बटन अलग तरीके के, पियानो के बटन देखते हो उसमें बटन बड़े होते हैं ना, बैंजो के बटन कुछ अलग होते हैं, गिटार की तारें होती है ना, तो अलग अलग बजाने का तरीका है। इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी बनतर है और लेकिन जो थ्योरी है वो लगभग सेम ही है। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ, फिर आपको एक एक चीज़ समझनी बड़ी आसान हो जाएगी और बैंजो सीखना भी बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए पेपर और पेन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सो बैंजो सीखने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, भारतीय संगीत में टोटल हमारे 12 स्वर हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, भले आप गिटार सीख रहे हैं, भले आप पियानो सीख रहे हैं, भले आप बैंजो सीख रहे हैं, भले आप सितार सीख रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, लगभग सभी की थ्योरी सेम ही है। सबसे पहली चीज़ है कि भारतीय संगीत में टोटल जो स्वर हैं वो 12 स्वर हैं। 12 में से अपने पास 7 शुद्ध स्वर हैं, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ठीक है जी। उसके बाद 4 कोमल स्वर आते हैं, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। और उसके बाद एक हमारे पास स्वर बचता है जिसे हम तीव्र मा के नाम से जानते हैं, तो उसे हम तीव्र मा बोलते हैं। अभी आप देखेंगे तो टोटली आपके 12 स्वर हो गए। अक्सर लोग बैंजो बजाने में कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आपके पास भले 27 बटन वाला बैंजो, भले 29 वाला है, भले 31 वाला है, आप बड़ी आसानी से आइडिया लगा सकेंगे कि हमें कहाँ से बजाना शुरू करना है और क्या क्या सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आ गई समझ में। टोटल 12 स्वर है, 12 में से 7 शुद्ध हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र। अभी इनको हम सीक्वेंस में देखते हैं, जैसे कि कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है। तो टोटल मैं यहाँ पे 12 की गिनती लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए 9, 10, 11, 12। अभी देखिए मैंने टोटल 12 तक गिनती लिख दी है, ठीक है जी। सबसे पहला स्वर है हमारा सा, सा के बाद आता है कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, उसके बाद शुद्ध मा, उसके बाद तीव्र मा, उसके बाद पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध दा, फिर कोमल नी और उसके बाद आता है शुद्ध नी। और अगर 13 के ऊपर बात करें तो फिर ता सप्तक का सा आ जाता है। कुछ इस प्रकार हमारे स्वरों का जो सीक्वेंस होता है वो इसी प्रकार होता है, ठीक है। अभी चलते हैं, ये तो आ गया हमारा स्वरों के ऊपर थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी बात करते हैं कि अगर आपके पास बैंजो है तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, मतलब कि बैंजो के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं मंदर सप्तक, ठीक है जी, मंदर सप्तक। दूसरा जो पार्ट होता है मध्य सप्तक। तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं तार सप्तक। 3 पार्ट होते हैं, मंदर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अभी कोई भी बैंजो, भले वो 27 बटन वाली है, भले वो 28 बटन वाली है, भले वो 29 बटन वाली, भले वो 31 बटन वाली, जो मंदर सप्तक की शुरुआत होगी वो पा से शुरू होगी, यानी कि पहले पा आएगा, उसके बाद कोमल धा आएगा, फिर शुद्ध दा आएगा, फिर कोमल नहीं आएगा, फिर शुद्ध नहीं आएगा, ठीक है जी। 5 स्वर होते हैं सिर्फ मंदर सप्तक में। उसके बाद हमारा जो यही 12 स्वर चलेंगे, पहले सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, ठीक है, फिर शुद्ध मा,
उसके बाद तीव्र मा, फिर पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध धा, फिर कोमलनी और फिर शुद्धनी, और उसके बाद फिर वही चलेगा सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, है ना, तीव्र मा, देन पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमलनी और शुद्धनी, ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन मंदर सप्तक की शुरुआत पा से ही होगी, भले वो 27 बटन वाला है, भले वो 29 बटन वाला है, भले वो 31 बटन वाला, ये स्वरों का प्लेसमेंट रहता है। अभी यही चीज़ मैं आपको बैंजो के ऊपर थोड़ा और क्लैरिटी करता हूँ और आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ जाएगी हमें शुरू कहाँ से करना होता है। हमेशा हमें शुरू करना होता है बैंजो बजाना, वो मध्य सप्तक से शुरू करना होता है। जब भी हम कोई गाना बजाते हो हमें मध्य सप्तक के सा से ही शुरू करना है। कारण क्या है, अगर कोई गाना नीचे है तो हम नीचे भी जा सकते हैं, अगर कोई गाना ऊपर है तो ऊपर भी जा सकते हैं। सपोज करिए आपने शुरू ही मंदर सप्तक में कर दिया तो मंदर सप्तक में ईश्वरी पाँच तो आप नीचे नहीं जा पाएंगे, ये कंडीशन है। अगर आपने तार सप्तक में कर दिया तो ऊपर आप जा, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते, इसीलिए हम बीच मिडिल में पकड़ते ताकि हम उतना ही ऊपर जा सकें उतना ही नीचे जा सकें, इसीलिए हमें मध्य सप्तक से शुरू करना होता है बैंजो बजाना। अभी यही चीज़ मैं आपको बैंजो के ऊपर सिखाता हूँ। सो जैसे कि मैंने कहा कि मध्य सप्तक, मंदर सप्तक और तार सप्तक, तो मंदर सप्तक में पांच स्वर हो तो हम क्या करेंगे, गिन के पांच बटन छोड़ देंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ये जो बटन है ये हमारा मध्य सप्तक है, यानी कि यहाँ से हमें बैंजो बजाना शुरू करना है, ये हमारा सा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सा हो गया, ये कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमलनी, शुद्धनी, फिर तार सप्तक का सा आ गया। सेम मेथड फिर वही, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमलनी, शुद्धनी। अगर 31 बटन का, ये 29 बटन वाला तो ये शुद्धनी पे ख़त्म हो रहा है ना, अगर 31 बटन वाला होगा तो वो क्या होगा, उसके आगे फिर एक सा आ जाएगा, एक और रे आ जाएगा, दो बटन एक्स्ट्रा होंगे बस। तो मतलब कि ये हमारा मध्य सप्तक का सा है, यानी कि अगर बैंजो का छठा बटन देखें तो 1 2 3 4 5 6 छठे बटन से आपको शुरुआत करनी है। जब भी कोई गाना बजाना या कोई भी सरगम बजानी तो यहाँ से सीखना शुरू करना है। ये हमारा मंदर सप्तक का पा हो गया, ये मंदर सप्तक का कोमल था, मंदर सप्तक का शुद्ध था, मंदर सप्तक का कोमलनी, मंदर सप्तक का शुद्धनी, और ये अपना मध्य सप्तक का सा, मध्य सप्तक का कोमल रे, है ना, जैसे मैंने पेपर में आपको लिख के बताया। आज की वीडियो में सिर्फ इसको इतना ही समझने की कोशिश करी, इसकी जो थ्योरी ना ये यही रहेगी, भले जैसे कि मैंने कहा भले 27 बटन वाला बैंजो है, भले वो 28 वाला बैंजो है, भले वो 31 वाला बटन, फर्क कहाँ पे आएगा, जो दो बटन कम ज़्यादा होंगे वो लास्ट में ही होंगे। मतलब कि अगर 27 बटन वाला तो ये दो एक्स्ट्रा बटन जो ऊपर है ना ये नहीं मिलेंगे आपको, अगर 29 बटन वाला तो इतने ही बटन मिलेंगे, 31 वाले में दो एक्स्ट्रा हो जाएंगे लेकिन नीचे एक्स्ट्रा नहीं होंगे, ठीक है। तो नीचे यही सीक्वेंस रहेगा, या फिर कुछ लोग नीचे ऐड कर देंगे, बस यही सीक्वेंस रहेगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, समझ में यही आना है कि हमें यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं आपको इसी का दूसरा लेसन दूंगा, उसमें हम प्रैक्टिकली बजा के देखेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को इतना समझिए और अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए, तभी आपके लिए बैंजो सीखना ईजी होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत तो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।